सो फ्रेंड, आज हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फीफा विश्व वर्ल्ड कप का 2022 देखने वाले हैं, जो कि कौन आगामी एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फीफा विश्व कप किसने जीता है, कहाँ आयोजन किया गया है, पूरी जानकारी इस वीडियो में बताऊँगा। लास्ट तक जरूर बने रहें। चाहे आप व्यापम की तैयारी करें, चाहे पीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करें। पीएससी प्रीलिम का एग्ज़ाम जो है आपका 12 फरवरी को होना है 2022-23 में, ठीक है। जो लोग पीएससी प्री एग्ज़ाम व्यापम जैसे हॉस्टल वाड़ाना एसआई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट क्लास लेकर आया हूँ। फीफा विश्व कप 2022 से, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल आएंगे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में लाया हूँ, ठीक है। आज रात 8:30 बजे, ठीक है, बिल्कुल तैयार हो जाइएगा। बिल्कुल आज रात 8:30 बजे, ठीक है, ये क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है। डेली क्लास करने के लिए वीडियो को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ठीक है। जब भी मैं ऐसे ही रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगा, नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। चलिए, आप देरी न करते हुए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। फीफा विश्व कप 2022 की जो विजेता टीम है कौन से रही है, तो आप सभी को मालूम है, हाल ही में आपने सुना होगा न्यूज में, टीवी में, कहीं भी आपने मोबाइल में या फिर रेडियो में कहीं भी आपको सुना होगा कि फीफा विश्व कप 2022 की जो विजेता है वो टीम रही है अर्जेंटीना, ठीक है। कौन है अर्जेंटीना, ये वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक जरूर देख के जाना, ठीक है। क्या पता एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ओके। चलिए, सेकंड है आपका, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है, कौन सी टीम खेल रही है, कहां आयोजन हुआ है, कौन से संस्करण में खेला गया है, प्रतिष्ठित गोल्डन बूट खिताब किसको मिला है, यह खेल अपने नाम किसने किया है, पूरी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। क्या पता एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना। चलिए, फीफा विश्व कप 2022 का जो आयोजन हुआ है आपका देश है कतर देश, कौन सा है कतर, इसको याद रखना, ऐसे एग्जाम में पूछता है, ठीक है। मैसेज ना करें यहाँ पर, ठीक है, बार बार आप सभी को बता रहा हूँ, क्लास कंटिन्यू करते जाइएगा। जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है या डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के नीचे, ओके। चलिए, अब देखिए यहाँ पर तीसरा है, 2022 का फीफा विश्व कप कौन सा संस्करण में खेला गया है, तो ये देखिए हाल ही में 2022 में खेला गया है, ठीक है। कौन सा संस्करण है, अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि फीफा विश्व कप का कौन सा संस्करण में खेला गया है, तो आप बताइएगा 2022 का 22वां संस्करण में, ठीक है। साथ ही विश्व कप में किस खिलाड़ी को प्रतिष्ठित गोल्डन बूट का खिताब मिलता है, ये याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। गोल्डन बूट का खिताब किसको मिलता है, सर्वाधिक गोल करने वाले को, किसको, सर्वाधिक गोल करने वाले को, और गोल्डन बूट का खिताब का अवार्ड किसने और कौन से खिलाड़ी ने अपने नाम किया है, ये भी आपको बताऊंगा। नेक्स्ट देखिए, 2022 का फीफा विश्व कप में किस खिलाड़ी ने गोल्डन बूट अपने नाम किया है, तो आप सभी को मालूम है किलियन एम्बापे, कहाँ के रहने वाले, फ्रांस के, ठीक है, किलियन एम्बापे हैं, नोट कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ अभी नहीं मिल पाएगा, ठीक है, इसको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ओके, ठीक है। किसको मिला है, ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, इसको याद रखना। गोल्डन बूट अपने नाम किया है किसने, किलियन एम्बापे ने, फ्रांस का, ठीक है। नेक्स्ट है, फीफा का 2022 किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक यानी कि सबसे ज़्यादा 8 गोल दागे हैं, 8 बार, तो किलियन एम्बापे कौन है, फ्रांस का, ठीक है। देखिए गोल्डन बूट तो अपने नाम किया ही है, लेकिन 8 गोल भी दागे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि कुल कितने टीमों ने हिस्सा लिया था, किसमें, फीफा विश्व कप 2022 में कुल कितने टीमों ने हिस्सा लिया था, तो आपको बता दें कि यहाँ पर 32, ऐसे एग्ज़ाम में आता है। फीफा विश्व कप 2022 में कुल टोटल 32 लोगों ने टीमों को हिस्सा लिया था। अब बात करें फीफा विश्व कप 2022 में कुल कितने मुकाबले खेले गए हैं या खेले जाएंगे,
तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 64, ठीक है, 64 खेले जाएंगे या खेले जा रहे हैं। अब बात करें फीफा विश्व कप 2022 का जो आयोजन है कब से कब तक किया गया है, तो आप सभी को मालूम है कि 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक, ठीक है, 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक। और आज आपका कौन सा डेट है, 22, ठीक है, 22 दिसंबर है, ठीक है। 18 दिसंबर को लास्ट तक किया गया था, कब से स्टार्ट हुआ था, 20 नवंबर से। एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया जाए तो 20 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, आप कौन सा टिक लगाएंगे, 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक, ठीक है। और पूछा जाए कि आयोजन कब खत्म होगा, तो 18 दिसंबर, स्टार्टिंग कब किया गया था, 20 नवंबर को, याद रखिएगा, ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। अब व्यापम में हॉस्टल वाराणा की तैयारी करें या फिर एसआई भर्ती की या फिर एडीओ की, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे, ठीक है, 70% गारंटी देता हूँ ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, ओके। चलिए, हाँ बिल्कुल सही है, फीफा विश्व कप 2022 का जो पहला मैच है किन दो देशों के बीच खेला गया है, तो आप सभी को मालूम हुआ हाल ही में कतर और इक्वाडोर के बीच खेला गया है, कौन कौन सा, कतर और इक्वाडोर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। 2022 में पहला मैच किन दो देशों, कौन से दो देशों के बीच खेला गया है, तो आप कतर बताएंगे और इक्वाडोर बताएंगे, ठीक है। अब फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक शुभंकर यानी कि मैस्कोट क्या था, तो ये आप बताएं कि लाइव, क्या था, लाइव। अब फीफा विश्व कप 2022 का आदर्श वाक्य क्या था, एग्जाम पूछेगा आदर्श वाक्य क्या था, तो फीफा विश्व कप 2022 का जो आदर्श वाक्य था आपका, नाउ इज ऑल, क्या था, नाउ इज ऑल, ठीक है। अब देखेंगे फीफा विश्व कप में सबसे ज़्यादा यानी कि 26 मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो आप सभी को मालूम है हाल ही में नियोलस मेसी यानी कि कहाँ के रहने वाली है, अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना। फीफा विश्व कप में सबसे ज़्यादा 26 मैच खेलने वाली खिलाड़ी कौन सी है, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, आप बताएंगे फटाक से लियोनस मेसी, ठीक है। और आप सभी को फिर से मैं बताऊंगा कि देखिए फीफा विश्व कप में कौन सा खिलाड़ी है जो हैट्रिक गोल दागे हैं, हैट्रिक, और देखिए 8-8 में आप सभी को बताना 8 गोल दागे थे, कौन, किलियन एम्बापे ने, देखिए ऐसे एग्जाम में आएगा घुमा घुमा कर, तो यहाँ पर हैट्रिक गोल दागे हैं तो वो भी किलियन एम्बापे हैं, कहाँ के रहने वाले, फ्रांस। दूसरा है गोंसालो रामोस, ये है पुर्तगाल के, ठीक है। अब फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है, हमेशा एग्जाम में आता है ये, आपको 4 वर्ष के अंतराल में होता है, ठीक है, क्या आएगा, 4 वर्ष के अंतराल में। तो आप बताइएगा कि फीफा विश्व कप इसके पहले कौन से सन में हुआ था, इसके पहले कौन से सन में हुआ था फीफा विश्व कप का जो आयोजन हुआ था, खेल हुआ था, कौन से सन में हुआ था इसके पहले, ना हाल ही, देखिए हाल ही अभी जो एग्ज़ाम हुआ है 2022 में, तो इसके पहले कौन से सन में हुआ था आप बताइएगा, 4 वर्ष बाद होता है, आप बताइएगा। देखिए वन लाइनर क्वेश्चन है ना, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको मैं सिलेक्ट करके रखा हूँ, ठीक है, बहुत ही मेहनत करके यह PDF बनाया है, ठीक है, बहुत ही मेहनत करके, है ना, तो एक बार वीडियो को जाया ना करते हुए वीडियो को एक बार प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब किए या ना किए मुझसे कोई मतलब नहीं है, आप पढ़ाई करो या ना करो, हमारा काम है आपको अच्छे राह दिखाना, ठीक है, ओके, हाँ ठीक है, थैंक यू। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया है उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चाहे तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक, जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण समझ लो, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन में एकदम तरीके से यानी कि बहुत ही अच्छे क्वांटिटी के साथ लेकर आया हूँ, ठीक है, बिल्कुल फ्री क्लास है, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, ओके, हाँ थैंक यू। जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं डेली क्लास करने के लिए, उन सभी विद्यार्थियों के लिए बेस्ट प्लग। चलिए अब देखते हैं फीफा विश्व कप 2022 का जो उद्घाटन समारोह कौन से स्टेडियम में हुआ था, तो हम बताते हैं आपको, अल बयाद स्टेडियम, कौन सा, अल
बयात स्टेडियम कतर में, ठीक है। और फीफा विश्व कप 2022 का जो फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया है, तो लुसेल स्टेडियम में। कौन सा? लुसेल स्टेडियम कतर में। ओके, अब बात करते हैं फीफा विश्व कप 2000 में अल रहिला किसका नाम था। अल रहिला एग्जाम में पूछ सकता है अल रहिला किसका नाम था, तो आप बताएंगे फुटबॉल गेंद का नाम था। कौन सा? फुटबॉल गेम। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा या कभी आ सकता है, तो आप बताएंगे अल रहिला किसका नाम था, तो आप सभी कमेंट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लगाएंगे फुटबॉल का नाम था, ठीक है। अब देखिए विजेता टीम को कितनी इनामी राशि मिली, तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि विजेता टीम को यहाँ पर $42 मिलियन, ठीक है, 42। ये देखिए $42 मिलियन 2022 में फीफा विश्व कप की जो विजेता हैं उनको राशि इनाम मिला है। कितना? 42, यानी कि $42 मिलियन। तो आप बताइएगा छत्तीसगढ़ में, है ना, हमारे भारत देश में $1 मिलियन का मतलब कितना होता है, $1 मिलियन का मतलब कितना होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा हमारे देश में $1 मिलियन का मतलब कितना होता है। तो आप समझ जाइएगा $42 मिलियन उनको मिला है, $1 मिलियन, है ना। अब देखिए विश्व कप में 2 बार गोल्डन बॉल अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है, 2 बार, ये एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। ये ऐसे ही एग्ज़ाम में आते हैं घुमाकर पूछने के लिए कि फीफा विश्व कप 2022 में 2 बार, है ना, 2 बार गोल्डन बॉल अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है, तो आप बताएंगे अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं कौन, लियोनेस मेसी। कौन है? लियोनेस, है ना, लियोनेल मेसी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर, है ना, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ओके, थैंक यू। ओके, शेयर कीजिएगा वीडियो को और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। साथ ही आप लोग जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वहाँ पर लिख दीजिएगा। टेस्ट के रूप में मैं डेली क्लासेस करा रहा हूँ। ओके, देखिए सबसे अधिक 5 बार फीफा विश्व कप विजेता कौन सी टीम है, 5 बार, ठीक है, 5 बार। यहाँ पर देखिए 2 बार गोल्डन अवार्ड किसने और कौन से खिलाड़ी ने जीता था, तो ये अर्जेंटीना के हैं लियोनेस मेसी। और यहाँ पर है कि 21 क्वेश्चन ने पूछा है कि सबसे अधिक यानी कि बहुत बार 5 बार फीफा विश्व कप की विजेता कौन सी टीम है, तो आप बताइएगा यहाँ पर ब्राज़ील। कौन सा आएगा आपका? ब्राज़ील। ओके, चलिए नाउ अगेन सी, ओके, सी अगेन इज वीडियो। ओके, देखिए सी अगेन विश्व कप का आयोजन किस वर्ष नहीं किया गया है, तो आप सभी को देखिए कब विश्व कप का आयोजन किया गया था, नहीं किया गया था, ऐसे एग्जाम में आता है, तो आप बताएंगे कौन सा वर्ष नहीं किया गया था, तो 1942 और 1946, ठीक है, 1942 और 46 में नहीं किया गया था। अब देखेंगे फीफा विश्व कप 2022 में अन्य पुरस्कार विजेताओं के नाम, ठीक है, याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। इसका PDF आपको मैं थोड़ी देर में सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पर। ओके, थोड़ी देर में इसका PDF मैं सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, लेकिन आप व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा PDF तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ओके, देखिए मैं आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसका लिंक मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन के नीचे दे देता हूँ, ठीक है, वहाँ पर जाइएगा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ओके, PDF सेंड कर दूँगा। देखते हैं कि पुरस्कार विजेताओं के नाम, तो गोल्डन बूट अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है, आप बताएंगे बिंदास बताइएगा, कोई हिचक वाली बात नहीं है, है ना, बिल्कुल स्पष्ट स्पष्ट आंसर आना चाहिए आप लोगों का। गोल्डन बूट अवार्ड 2022 में पुरस्कृत विजेताओं के नाम है, क्या पता एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछ सकता है 2 या 1 नंबर से, ठीक है। तो गोल्डन बूट अवार्ड है किलियन एम्बापे, और ये याद रखिएगा 8 बार गोल दावे हैं, 8 बार, ठीक है, 8 बार, और हैट्रिक भी लिया गया है, ठीक है। चलिए मैं बताया था गोल्डन बूट अवार्ड किलियन एम्बापे को, कहाँ के रहने वाले हैं? अर्जेंटीना। अब देखिए नहीं, ये आपका फ्रांस है, फ्रांस के रहने वाले हैं, ठीक है। गोल्डन बॉल अवार्ड यानी कि बेस्ट प्लेयर,
याद रखिएगा गोल्डन बॉल अवार्ड में बेस्ट प्लेयर लियोनस मेसी और गोल्डन ग्लव अवार्ड है एमिलिनियो मार्टिनेज। कौन है एमिलिनियो मार्टिनेज? फीफा यंग प्लेयर अवार्ड, जो यंग यानी कि जवान जो प्लेयर अवार्ड है आपका एंजो फर्नांडिस। कौन सा है? एंजो फर्नांडिस, ठीक है। अब बात करें फीफा फेयर प्ले अवार्ड में तो कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। फीफा फेयर अवार्ड आपका इंग्लैंड का है। उसी प्रकार गोल्डन बूट अवार्ड के लिए एम्बापे है, बेस्ट प्लेयर के लिए लियोनस मेसी और गोल्डन ग्लव अवार्ड आपको मिला है एमिलियोनी मार्टिनेज को और फीफा प्लेयर का यंग प्लेयर अवार्ड एंजो फर्नांडिस को मिला है। अब देखेंगे यहाँ पर सिल्वर बूट अवार्ड किसको मिला है? सिल्वर बूट अवार्ड लियोनस मेसी को मिला है। किसको मिला है? लियोनस मेसी को मिला है। ओके, कांस्य का बूट पुरस्कार किसको मिला है? ओलिवर गिरोद को। उसी प्रकार सिल्वर बॉल पुरस्कार किलियन एम्बापे। उसी प्रकार ब्रॉन्ज का बॉल अवार्ड है लुका मोड्रिक, लुका मोड्रिक। अब देखेंगे फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल की फुटबॉल एसोसिएशन में, ठीक है, इसको याद रखिएगा मोटो इसका क्या है आपका मोटो? देखिए मोटो जो है आपको फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड, फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। इसकी स्थापना की बात करें तो 21 मई 1904 को की गई थी। मुख्यालय आपका हो जाएगा ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, ठीक है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, क्या आएगा? स्विट्जरलैंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो मैं बात करने वाला हूँ अध्यक्ष का, तो अध्यक्ष आपका है जियानी इन्फेंटिनो। कौन है? इन्फेंटिनो। ये कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स लेकर आया हूँ, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए, पहला फीफा विश्व कप का जो आयोजन हुआ था अब आपका 1930 में उरुग्वे में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1930 में उरुग्वे में हुआ था, इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए इसकी विजेता टीम है उरुग्वे ही थी और पहली बार फीफा विश्व कप का टीवी प्रसारण यानी कि जो टीवी में प्रसारण हुआ था आपका 1954 को, ठीक है, 1954 को हुआ था। अब देखिए इसको नोट की लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा थोड़ा ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत और फीफा विश्व कप के लिए। तो देखिए भारतीय फुटबॉल टीम ने विश्व कप कभी भी हिस्सा नहीं लिया है और सिर्फ एक बार भारत ने फीफा विश्व कप के लिए 1950 में क्वालिफाई किया था। कब किया गया था? क्वालिफाई। एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सिर्फ एक बार भारत ने फीफा विश्व कप के लिए कौन से सन में क्वालिफाई किया था तो आप बताइएगा सिर्फ एक बार, मात्र एक बार फीफा विश्व कप 1950 में ही क्वालिफाई किया था, ठीक है, और पिछला 2018 में हुआ था। आप सभी को क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन पूछा था कि फीफा विश्व कप हमेशा 4 सालों के बाद होता है, 4 वर्ष के बाद होता है, तो हाल ही 2022 में आपको एग्ज़ाम हुआ, मतलब यहाँ पर खेला गया है फीफा विश्व कप हाल ही में, तो इसके पहले तो ये आपका बताएंगे 18 में सन में पूछा गया था, तो कम से कम 70 लोगों का आंसर 2018 आया हुआ है। अब देखेंगे कि पिछला फीफा विश्व कप 2018 में बहुत ही महत्वपूर्ण है, लास्ट तक जिन लोगों को देख रहे हैं वीडियो वो बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं, ठीक है। देखिए पिछला फीफा विश्व कप 2018 में हुआ था ये आपका, ठीक है, पिछले साल 2018 में, हाल ही 2022 का अभी चल रहा है लेकिन हम आपको बता रहे हैं 18 का, 2022 का पूरा आपको फीफा वर्ल्ड कप मैं आपको बता चुका हूँ, ख़त्म हो गया है। अब देखिए 2018 का, तो पिछले वर्ष 2022 से पिछला वर्ष फीफा विश्व कप 2018 में रूस में खेला गया था, 2018 में रूस में, ओके। और देखिए 2018 में खेला गया फीफा विश्व कप का जो कौन सा संस्करण है? 21वां, और जो हाल ही में कौन सा संस्करण है आपका? 22वां संस्करण है, ठीक है। फीफा विश्व कप 2018 की जो विजेता है टीम फ्रांस थी, उसकी उप विजेता टीम है क्रोएशिया थी। कौन थी? क्रोएशिया, ठीक है। और अगला देखेंगे जो हाल ही 2022 में अभी हुआ है फीफा विश्व कप का कौन सा संस्करण है? 22वां संस्करण। और आपका अगला फीफा विश्व कप 2026 में होगा वो आपका 23वां संस्करण होगा। कौन सा? 23वां, जो कि 2026 में अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा देश में खेला जाएगा। याद रखिएगा एग्जाम में पूछ सकता है अगला फीफा विश्व कप 2026 में
कौन सा संस्करण होगा? तो आप बताइएगा 23वां संस्करण 2026 में खेला जाएगा। कौन सा देश के बारे में बात करें तो ये आपका अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा देश में खेला जाएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया था, है ना। जिन लोगों को वीडियो आपको अच्छा लगा हो या पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही आप कमेंट में बताइएगा कि कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं। आप पीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइएगा पीएससी, और व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा व्यापम। साथ ही हॉस्टल वाड़ने की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, उन युवाओं के लिए मैं बेस्ट क्लास लेकर आया हूँ। बिल्कुल हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट पर बिल्कुल फ्री क्लासेस कराया जा रहा है। जिन लोगों को चैनल का प्लेलिस्ट पर जाके देखना है, पूरी क्लास कंटिन्यू करा दिया हूँ। ठीक है, कंप्यूटर की क्लास ये आपका 26 दिसंबर से प्रारंभ हो जाएगा नई बैच में रात 8 बजे। ओके, अब देखिए फीफा विश्व कप में महिला के बारे में बात करें तो 2019 में महिला की जो विजेता टीम रही है आपका फ्रांस में आयोजित हुआ था, और इसकी विजेता टीम अमेरिका रही है। ठीक है, कौन सी? अमेरिका। और यह इस खेल का 8वां संस्करण था। कौन सा? 8वां। अब देखिए फीफा महिला विश्व कप में 4 वर्ष के अंतराल पर खेला जाता है। ठीक है, और फीफा महिला विश्व कप 2023 का जो आयोजन होगा आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देश में किया जाएगा। ठीक है, और इस खेल का जो शुभंकर है तनुजी, और इस खेल का 9वां संस्करण होगा। ठीक है, अब फुटबॉल के बारे में देखेंगे, फुटबॉल के खेल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण है, इसको याद रख लीजिएगा, ऐसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको एक बार दिमाग में रख लीजिएगा। खिलाड़ी के बारे में बात करें तो फुटबॉल खेल 11 लोग मिलकर खेलते हैं। कितने लोग? 11 लोग। और फुटबॉल से जुड़े कप कौन सा? रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी कप। तो देखिए ये आपको एग्जाम में पूछता है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है। एग्ज़ाम में आया हुआ था, ये पूछा गया था 2018 के क्वेश्चन में। ठीक है, और हाल ही देखिए 2019 में ये भी पूछा गया है डूरंड कप, तो इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है, दिमाग में लेते चलिएगा। ठीक है, जो फुटबॉल खेल से संबंधित आपको एग्ज़ाम पूछ सकता है कि संतोष ट्रॉफी कप किस खेल से संबंधित है, या फिर टूरंड कप कौन से खेल से संबंधित है, या फिर आशुतोष कप कौन से खेल से संबंधित है, या फिर रोवर्स कप कौन से खेल से संबंधित है, तो आप सभी बताएंगे। इसको याद रख लीजिएगा, हमेशा पूछता है ट्रॉफी वाला या फिर डूरंड कप, हमेशा ये दो ही बार बार एग्ज़ाम में पूछा गया, संतोष ट्रॉफी या फिर डूरंड कप, तो आप बताएंगे फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, ये जो जुड़े कप हैं, अब देखिए कप्तानों के नाम देखेंगे तो ये आप सभी को मैंने बता दिया था, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूँगा। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बिल्कुल आपको पीडीएफ फ्री मिल जाएगा, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। डेली क्लास करते रहिएगा और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, डेली क्लास करने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। ओके, नाउ अगेन सी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम करेंगे रात 8:30 बजे। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट वीक।